Good morning everyone. Today we are going to learn poem number 1, The Ant and the Cricket. So open your page number 21 in your English book. The Ant and the Cricket. तो first यहाँ पे ये जो poem है ant and cricket के बारे में दी गई है. तो ant it means चींटी and cricket it means झिंगर कहते हैं जिससे हम. तो दोनों के बारे में यहाँ पे एक moral story है, जो fable story है, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ ऐसे सीख मिलती है, हमारी life में कुछ ऐसा moral हमें सीखने को मिलता है. तो ये पूरी स्टोरी है वो दी गई है तो यहाँ पे एंट एंड क्रिकेट के बारे में, लेकिन ह्यूमन बीइंग को इसमें से कुछ सीखने के लिए ये स्टोरी आपको ये पोयम के फॉर्म में दी गई है. ओके, अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स दैट कन्विंस अ मोरल. फेबल इट मीन्स मोरल. तो ये कुछ ऐसी मोरल स्टोरी होती है often with animals as characters, जिसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें most of हम लेते हैं animal का use करते हैं, animal का use करके animal को यहाँ पे involve करके ये जो poem है लिखी जाती है. लेकिन उसको one side देखे तो ये human को animals के form में ही कुछ कहा जाता है, उसमें से ही हमें सीख मिलती है. ओके, often animals characters that convince a moral. इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें से हमें कुछ मोरल सीखने को मिलता है. दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. ये जो पोयम है वो किसके बारे में है, तो एंट एंड क्रिकेट के फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. इट मीन्स फ्यूचर में इनका आइडिया है वो क्या होने वाला है, फ्यूचर में उनको क्या करना है, तो पहले से ही उसका प्लानिंग बना लेना चाहिए एंट एंड क्रिकेट को. तो उसके बारे में ये पोयम दी गई है. विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ फोर लेग क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग वन. यहाँ पे ये जो क्रिकेट है उसके बारे में ट्रू स्टोरी, इट मीन्स इसमें कुछ सच्चाई की गई है. ये जो क्रिकेट होता है वो फोर लेग क्रिकेट होता है, तो फोर लेग क्रिकेट एंड टू लेग क्रिकेट ऐसा आपको डिस्क्राइब किया. लेकिन हमें सबको पता है कि जो ये क्रिकेट होते हैं उसके ऑलवेज फोर लेग ही होते हैं, टू लेग के क्रिकेट नहीं होते. तो टू लेग इट मीन्स ह्यूमन बींग की बात की गई, तो यहाँ पर क्रिकेट फोर लेग के हैं और उसकी जगह ह्यूमन को रखकर बात की गई है कि टू लेग के भी क्रिकेट होते हैं. इट मीन्स टू लेग वाले क्रिकेट ये जो ह्यूमन बीइंग है वो क्रिकेट जैसे होते हैं. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. श्योरली आपको डेफिनेटली कहा है कि आप सभी ने टू लेग्स वाले क्रिकेट देखे हैं. टू लेग्स वाले इट मीन्स हमें इसके इंस्टेड ऑफ रखना है के सॉरी इसके इन प्लेस ऑफ हमें रखना है मैन को, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग को रखना है. टू लेग्स वाला क्रिकेट कौन है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है. तो आपने ऐसे टू लेग्स वाले क्रिकेट है उसके बारे में सुना भी होगा, उनको देखा भी होगा और उनके बारे में समझा भी होगा. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट पोयम. फर्स्ट स्टंजा है अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग. यहाँ पे क्रिकेट है जो कैसा क्रिकेट था, तो क्रिकेट को डिस्क्राइब किया है कि सिली क्रिकेट था, बहुत ही स्टूपिड क्रिकेट था. अकस्टम टू सिंग, अकस्टम इट मीन्स वन टाइप हैबिट. ओके, तो उसको सिंगिंग करने की हैबिट थी, ऑलवेज वो ये जो क्रिकेट है वो सिंगिंग ही करते रहता था डेली एवरी डे. और जो भी सीज़न होती, विंटर हो, समर हो या फिर मानसून के सीज़न हो, तो वो एवरी टाइम कुछ ना कुछ सिंगिंग करने रहने की उसे हैबिट थी. थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. किस टाइम, तो ड्यूरिंग द वॉर्म, जब भी वॉर्म की सीजन होती है, एटमोसफियर थोड़ा सा वॉर्म होता है, सनी मंथ्स ऑफ गे समर, समर का टाइम होता है जब भी सन राइज हुआ होता है, एंड स्प्रिंग, और स्प्रिंग का एटमोसफियर, स्प्रिंग की सीजन होती है, तब भी ये जो क्रिकेट है वो ऑलवेज सिंगिंग करता रहता था. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. अब
जब वो अपने होम पर जाता है वो ऑलवेज क्या करता रहता है, तो ऑलवेज सिंगिंग करते रहता है, कुछ वर्क नहीं करता है, कुछ अर्न करने नहीं जाता, कुछ खाने के लिए लेने नहीं जाता। तो अब ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम के बाद अपने होम पर जाता है, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, वहाँ जाकर वो फाउंड करता है कुछ ऐसा फूड है, उसे सर्चिंग करता है, वहाँ जाके आसपास देखता है, तो उसे कंप्लेन होने लगती है, अपने आप को उसकी कंप्लेन शुरू होने लगती है। हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, उसका जो अपने होम पर हमारे घर पर जैसे कपबोर्ड होता है, तो यहाँ के क्रिकेट को रख कर कहा गया है कि जब वो अपने होम पर गया तो उसने अपना कपबोर्ड है वो ओपन करके देखा, तो वो कपबोर्ड कैसा था, एकदम एम्प्टी था, खाली था, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं था। एंड विंटर वॉज कम, और अब विंटर की सीजन आ गई थी। पहले क्या था, तो स्प्रिंग था, समर था, सन यहाँ पे राइज हो रहे थे, तो पूरा एटमॉस्फियर समर का था, और समर में ही ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम उन्हें अपना खाना लेकर आना है और उसका कलेक्शन करना है। लेकिन यहाँ तो क्रिकेट क्या करता है, तो बहुत ही लेजी क्रिकेट है, तो कुछ वो वर्क करने नहीं जाता और अपने आप को कुछ भी बर्डन नहीं देता है, कोई भी टेंशन नहीं है उसे, तो इस वजह से वो कुछ खाना कलेक्शन करता नहीं है। लेकिन अब जब भूख लगती है, जब होम पर जाता है, कपबोर्ड एम्प्टी करके देखता है, तो उसे कुछ मिलता नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब इट मीन्स अ स्मॉल ड्राई पीस ऑफ ब्रेड। तो वो जहाँ जाके देखता है तो ओनली ब्रेड का पीसेस भी उसे नहीं मिलता। ऑन दिस स्नो कवर्ड ग्राउंड, और आसपास का जब एटमॉस्फियर वो देखता है तो पूरा एटमॉस्फियर स्नो से कवर हुआ है, और आसपास ओनली विंटर ही विंटर है, और विंटर में कुछ खाने को मिलता नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, क्यों, क्योंकि विंटर ऐसा एटमॉस्फियर होता है कि उस टाइम हमें फ्लावर ग्रो होते हुए नहीं दिखते। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कोई भी ट्री पर लीफ भी ग्रो हुआ नहीं है। तो अब उसे खाने लेने जाना है तो वो कैसे ले सकता है, क्योंकि विंटर में तो नॉट अ फ्लावर ग्रो, नॉट अ लीफ ग्रो, ओके, तो इस वजह से उसे खाने को मिलता नहीं है। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब क्रिकेट है वो अपने आप से ही बात करता है कि ओ व्हाट विल बिकम, इट मीन्स अब आगे मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैंने कुछ खाने का कलेक्शन भी नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊँगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फॉर माइंड मेड बोल्ड, अब लास्ट में क्या होता है, स्टार्वेशन इट मीन्स बहुत जोर से भूख लगना, तो अब उसे इतनी जोर से भूख लगती है कि वो रह ही नहीं पाता, तो स्टार्वेशन की वजह से और फेमाइन मेड बॉल, और आसपास फेमाइन इट मीन्स दुष्काल पड़ना, इस वजह दुष्काल की वजह से हमें खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर ही यहाँ क्रिकेट के पास हुआ है और ऐसा इंसिडेंट उसके साथ बनता है, तो इस वजह से वो बहुत यहाँ पे बोल्ड, इट मीन्स बहादुर नहीं, लेकिन बहुत ही वो मजबूर हो गया है कि अब मैं क्या करूँ, किसकी हेल्प लूँ, किसे कहने जाऊँ, कहाँ से मैं खाना लाऊँ, तो सभी क्वेश्चन है वो क्रिकेट के माइंड में आता है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, अब विंटर का सीजन है इसलिए कुछ ऐसा वेट वाला एटमॉस्फेयर है, तो वेट के एटमॉस्फेयर से वो पूरा ड्रिपिंग हो गया, ड्रिपिंग इट मीन्स उसके जो वेट के जो बूंद है वो उस पर गिर रहे हैं, तो इस वजह से वो पूरा गीला हो गया है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और कोल्ड की वजह से, इट मीन्स विंटर में जो भी ठंड पड़ रही थी वो ठंड की वजह से बहुत ही ट्रेम्बलिंग हो रहा है, इट मीन्स वो ध्रुज रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हमने देखा कि हमारे स्टोरी में टू यहाँ पे इंसेक्ट की बात की गई है, फर्स्ट थी एंट और सेकंड है क्रिकेट, तो अब वो सोचता है, थोड़ा सा थिंकिंग कर रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो वो जो माइजरली एंट है, माइजरली इट मीन्स कंजूसी, ओके, जो कंजूसी करता है उसे कहते हैं माइजरली, तो अब मुझे वो माइजरली एंट है उसके पास ही मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा है क्रिकेट सोचता है। टू सी इफ
टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. अब मैं मुझे अलाइव रहना है, इट मीन्स मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा. ही वुड ग्रांट, और वो ही मेरी मदद करेगी. और ऐसे माइंड में उनके क्वेश्चन आता है कि वो माइजरली एंड है, उसके पास जाना पड़ेगा. तो वो माइजरली एंड थी, तो उस वजह से वो थिंकिंग करता था कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं तो ही अलग रह पाऊंगा, और क्या वो मेरी मदद करेगी. तो ऐसे ऐसे कुछ इसके बारे में, एंड के बारे में जो भी थिंकिंग है, वो क्रिकेट यहाँ पे सोचता है कि क्या वो मेरी हेल्प करेंगी. वो तो माइजरली है, तो वो कदा ऐसा भी हो शायद कि वो उसे रिफ्यूज़ भी कर दे, वो मना भी बोल दे, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे ऐसे क्रिकेट के माइंड में कुछ ऐसे थॉट आते हैं. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. अभी क्या हुआ, तो विंटर के बाद अभी रेन का एटमोसफियर है, तो रेन की वजह से उसे क्या मिल जाएगा. तो वो जो एंड है उसे शेल्टर भी दे देंगी, इट मीन्स उसे सपोर्ट करेंगी, उसे सहारा भी दे देगी. तो ऐसा भी उसके माइंड में ऐसा थिंकिंग वो करता है. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसके बाद उसके मैं पास जाऊंगा तो मुझे माउथफुल ऑफ ग्रेन, खाने के लिए कुछ ऐसे ग्रेन है, कुछ ऐसे दाने हैं, तो वो भी मुझे देगी. ही विश ओनली टू बोरो, मैं उससे विश करूंगा, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, ही वॉन्टेड टू बोरो. क्रिकेट वहाँ जाके कहेगा कि मुझे ओनली बोरो, बोरो इट मीन्स उधार चाहिए. अभी तुम जो भी मुझे खाने को दोगी या फिर जो भी मुझे रहने के लिए मुझे शेल्टर दोगी, तो उसका जो भी उधार होगा मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा. ओके, तो यहाँ पे वो उस पर डिपेंडेबल है, ऐसे वो यहाँ पे नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं वहाँ जाके उसे ऐसे कहूँगा कि जो भी उधार होगा वो मैं तुम्हें वापस दे दूँगा. ही हैड रिपेड टुमोरो, कब, तो टुमोरो इट मीन्स नेक्स्ट डे, वो जो भी उसने उसे बोरो लिया था वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टेवेशन एंड सोरो, जो वो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे एंड की हेल्प नहीं ली तो मैं स्टावेशन की वजह से एंड ये जो भी मैं सैडनेस फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्या होगा मेरे साथ, तो स्टारवेशन की वजह से एंड ये सैडनेस मेरा जो माइंड हो गया है, तो इस वजह से मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊँगा. इट मीन्स उसका डेथ हो जाएगा क्रिकेट का. तो वो ऐसा फील कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो उसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि इस वजह से मुझे क्रिकेट एंड के पास जाना चाहिए और मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए. उसे पता नहीं है कि हेल्प ये जो एंड है वो उसे हेल्प करेगी या फिर उसे मना कर देगी, ऐसा उसे पता नहीं है. सेज द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. अब ये जो यहाँ पे एंड है वो क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं क्या हूँ, तो मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ एंड मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड. लेकिन वो क्या रिप्लाई देती है, तो वो क्रिकेट को कहती है कि हम जो एंड्स है वो किसी को यहाँ पे बोरो देती नहीं है, इट मीन्स किसी को उधार देती भी नहीं है, और लैंड इट मीन्स किसी से उधार लेना, किसी का उधार लेनी लेती भी नहीं है. ऐसा हमारा एथिक्स है, हम जो पूरी एंड्स है, तो पूरी एंड्स इट मीन्स यहाँ पे वन एंड की बात नहीं कही, लेकिन हमारे सभी एंड्स का ऐसा नेचर है और वो हमारे एथिक्स के बाहर है. ऐसा एंड्स है वो क्रिकेट को आंसर देती है जब भी यहाँ पे क्रिकेट उससे हेल्प लेने जाता है तब. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वॉर्म, क्वॉथ द क्रिकेट नॉट आई. लेकिन यहाँ पे वो रिफ्यूज तो कर दिए उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ये जो एंट है उसे क्वेश्चन करती है. बट टेल मी, तुम मुझे ये बात कहो डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या डिड यू ले नथिंग, इट मीन्स कोई भी ऐसी थिंग्स हो या फिर कोई भी मनी हो तो उसका क्या करना है, तो उसका सेविंग करना है, उसको बचा कर रखना है. तो क्या तुमने जब वेदर वॉर्म, जब वॉर्म का वेदर था, समर के सीज़न थी, स्प्रिंग के सीज़न थी,
तो तब उस वक्त तुमने कुछ बचा कर नहीं रखा तुम्हारे पास, क्वॉथ द क्रिकेट नॉट आई। अब क्रिकेट सामने रिप्लाई देता है कि नहीं, मैंने कुछ बचा कर रखा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्रिकेट है उसे तो कैसी हैबिट थी, तो ओनली सिंगिंग करने की, ओनली फनी मूड रखने की, ओनली एंजॉय करने का, ऐसा उसका मूड था, वो उसका नेचर था, तो इस वजह से वो कुछ उस टाइम वर्क करता नहीं था और इस वजह से अब उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे क्रिकेट की जगह हम ह्यूमन बीइंग को रख के देखते हैं, तो ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी यहाँ पे टीचर है उसके क्लास लेते हो तब उसका अटेंशन नहीं होता, जब भी टीचर है यहाँ पे उसे नोट करवाते हो तब कोई स्टूडेंट है वो नोट डाउन नहीं करते, एग्ज़ाम आने से पहले उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, तो एग्ज़ाम में हमें कुछ अच्छी तरह से हम लर्न नहीं कर पाते, कुछ हम राइट नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी हमारी एग्ज़ाम आ रही है तो उसके पहले से ही, बिफोर से ही हमें अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो इस टेंजर से यहाँ पर हमारे फ्रेंड जब हमें यहाँ पर क्या करते हैं, तो वो रिफ्यूज़ करते हैं नोट देने के लिए, तो हमारा मूड है वो यहाँ पे अच्छा नहीं रहता और हमें क्या फील होता है, तो हमें सैडनेस फील होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्रिकेट को सैडनेस फील होता है कि एंड ने भी मुझे यहाँ पे हेल्प करने के लिए मना कर दिया, तो ऐसी इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। तो इस टांचा में से हमें ये सीख मिलती है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। अब क्रिकेट है वो यहाँ सामने रिप्लाई देता है कि नहीं, मैंने कुछ सेविंग नहीं किया, तो उसके बाद सेकंड सेंचा में वो क्या कहता है कि मेरा जो हार्ट है, इट मीन्स मेरा नेचर है, मेरा जो दिल है वो कैसा है, बहुत ही लाइट है। लाइट इट मीन्स कोई भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी बर्डन नहीं होना, किसी की बात की उसको चिंता नहीं होनी, जिसे कहते हैं लाइट मूड, लाइट नेचर। ओके, तो क्रिकेट कहता है कि मेरा तो बहुत ही लाइट नेचर है, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इस वजह से मैं क्या करता था, तो ओनली डे एंड नाइट सिंगिंग सिंगिंग करता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुकड अगे, ऑल नेचर इट मीन्स पूरा जो एनवायरमेंट है, पूरा जो एनवायरमेंट का एटमोसफियर है वो मुझे बहुत ही गे, इट मीन्स उसका सिमिलर वर्ड हैप्पी, तो पूरा एनवायरमेंट है उस टाइम मुझे बहुत ही हैप्पी फील होता था। यू सैंग सर यू से, तो अब एंड कहती है उसे, तो क्या तुमने उस वक्त क्या किया, ओनली सिंगिंग ही सिंगिंग किया, ऐसा तुम कहना चाहते हो ना, ऐसा एंड उसे क्वेश्चन करती है। गो देन सेज द एंड, तो अब क्या करो, तो तुमने जो भी यहाँ पे अब तक किया है, लेजीनेस दिखाई है, तो अब तुम भी उसका जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे भुगतने के लिए तुम रेडी रहो। तो वो इस लाइन में उसे कहती है ए गो धैन, तो अब यहाँ से तुम चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, अब क्या करो, तो अब तो विंटर का एटमोसफियर है, कुछ खाने को पीने को कुछ नहीं मिल रहा, तो अब जाओ यहाँ से, अब ये विंटर है, दूर दूर तक विंटर का एटमोसफियर है वो कवर हो गया है, तो वहाँ जाके तुम डांस करो, अब तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अब क्यों मेरी हेल्प लेने आए हो। ओके, जब वर्क करने का टाइम था तो वो टाइम तो चला गया है, और अब हेल्प लेने के लिए आए हो, तो उस टाइम तुम्हें क्या करना चाहिए, उस टाइम तुम्हें बहुत ही सीरियसली होके तुम्हारा वर्क करना चाहिए, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमें क्या करनी चाहिए, तो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही बजानी चाहिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket. अब ending में क्या होता है, ये जो end है वो बहुत ही hastily it means बहुत ही hurriedly lifted the wicket. Wicket it means door. उसका सिमिलर वर्ड विकेट, इट मीन्स यहाँ पे कोई क्रिकेट का विकेट नहीं, लेकिन विकेट इट मीन्स डोर, तो उसके डोर में से, इट मीन्स अपने होम में से क्रिकेट को वहाँ से दूर वो भगा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से हरीडली दूर चले जाओ। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, अब ये बेचारा पुअर क्रिकेट, इट मीन्स ये जो बेचारा जो क्रिकेट था, जो जिंगर था, वो बहुत ही यहाँ पे सैडनेस फील करते हुए यहाँ से बहुत ही नाराज होके वो यहाँ से डोर में से चला जाता है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल,
आई विल वारंट इट ट्रू. यहाँ पे जो फॉक इट मीन्स ये जो पीपल है हमारे जो सोशल जो सोसाइटी है हमारी उसमें बहुत सारे पीपल रहते थे. सभी पीपल हैं वो इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं कि ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है. क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई पोएट है वो पोएम लिखते हैं तब उसके पहले इमेजिनेशन करते हैं और उसके बाद ये पोएट के फॉर्म में उसे पोएम के फॉर्म में उसे डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन कुछ पीपल हैं इसे इमेजिनेटरी स्टोरी कहते हैं. आई विल वारंट इट ट्रू. लेकिन यहाँ पे ही जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें ये जो पोएम है इसमें एंट एंड क्रिकेट की स्टोरी डिस्क्राइब की है इसमें हमें कुछ रियल स्टोरी में रियल जो हमारी जो लाइफ है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई नज़र आती है. क्यों? क्योंकि हम ये जो मैन हैं हम ये जो सभी पीपल है वो भी हम इसके जैसा ही क्रिकेट के जैसा ही करते हैं. कि जब भी हमारे वर्क करने का टाइम होता है तो हम वर्क नहीं करते, हम लेजी हो हमारा जो नेचर है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं. तो इस वजह से जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो या फिर जब भी एग्ज़ाम में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत हो तो हमारे माइंड में कुछ नहीं आता क्योंकि पूरे ईयर के टाइम हमने कुछ वर्क ही नहीं किया, हमने कुछ हार्डवर्क करने की ट्राई ही नहीं की. तो ऐसा उसका रिजल्ट होगा कि आपको उसमें कुछ अच्छा फील होगा नहीं. सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू. इस तरह से क्रिकेट के बारे में कहा गया है कि सम ऐसे क्रिकेट है जिसके फोर लेग्स हैं एंड सम ऐसे क्रिकेट है जिसके टू लेग्स से. इट मीन्स फोर लेग्स वाले जो क्रिकेट है जो इंसेक्ट के फॉर्म में बताया गया है और जो टू लेग्स वाले जो भी क्रिकेट है वो ह्यूमन बीइंग को इट मीन्स यहाँ पे हम जो मैन है जो लिविंग यहाँ पे नेचर में हम लाइव करते हमारी लाइफ जीते तो उसके बारे में कहा गया है. तो ये जो पूरी पोयम के जो पोएट है जिसका नाम है एसोप्स फेबल, ओके, तो ये जो एसोप्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी मोरल जो ये स्टोरी है एंट एंड क्रिकेट के बारे में लिखी थी. यहाँ पे ऐसा होता है कि एंट है तो उसका कैरेक्टर ऐसा दिया गया है कि एंट ने हेल्प नहीं की. लेकिन जब भी एंट ने हेल्प नहीं की तभी क्रिकेट को ऐसा फील होगा कि नहीं अब जो सेकंड ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर जो क्या करेगा वो तो नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पे बहुत ही सतर्क रहेगा कि नहीं मुझे कुछ वर्क करना चाहिए. इस वजह से हमारे जो नेक्स्ट ईयर में हमें जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो ना हो. इस वजह से एंट है वो उसे यहाँ पे क्या करती है तो एंट है वो हेल्प करने के लिए मना कर देती है. इस वजह से यहाँ पे हम एंट को भी बुरी नहीं कह सकते. तो यहाँ पे हमारी जो मोरल स्टोरी एंट एंड क्रिकेट है वो कम्प्लीट होती है. सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे.